मेरे साथ मौजूद है महमूद हामिद, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो बताइए, ये रमज़ान टूर्नामेंट आप किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, और हर साल इस तरह टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, हाउ डू यू इंजॉय दिस? एब्सोल्युटली, एज ए क्रिकेटर आप जब क्रिकेट कहीं हो रही होती है तो आप इंजॉय करते हो, स्पेशली इन रमज़ान, क्योंकि कराची की एक लेगेसी है कि स्टार्टिंग रमज़ान क्रिकेट इन कराची। और जब हम भी क्रिकेट खेल रहे थे तो बहुत से टूर्नामेंट होते थे, लेकिन उस वक्त डे टूर्नामेंट ज़्यादा बहुत होते थे, लेकिन नाउ डेज़ जो है नाइट क्रिकेट बहुत हो गई है, ग्राउंड बहुत अवेलेबल हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जिसे कहना चाहिए मोइन खान की, जिससे जो 8 कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट है, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी काविश है कि इन फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो TV के ऊपर आते हैं और फिर यहाँ पर से आके फिर आप पाकिस्तान के लिए सर्व करते हो। वेल, बाय द वे, आप इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं, आपकी फेवरेट टीम या कुछ प्लेयर्स आप जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है आपको इंस्पायर कर रही है? मैं 2-3 यंगस्टर्स हैं जो मुझे मैं देखता हूँ, नाफे आउटस्टैंडिंग प्लेयर, अहमद आलम गुड प्लेयर, ये लोग ऐसे प्लेयर मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि मैं सिंध किसी एसोसिएशन के साथ भी अटैच रहा हूँ, तो मैंने इन प्लेयर्स को देखा है और जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग। देखें, बड़ी जब आप क्रिकेट खेलने जा रहे होते हैं तो 2 किस्म के प्रेशर्स होते हैं, एक तो ये होता है कि मीडिया प्रेशर होता है, दूसरा होता है कि TV का जो कैमरे का प्रेशर है। वो जब आप इनिशियल स्टेज के अंदर जब आप कोप अप कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जब आप ऊपर लेवल के ऊपर जाते हैं तो आपको वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती। हमारे ज़माने में ये चीज़ थोड़ी सी थी कि क्योंकि इतना ना क्राउड होता था, क्राउड भी बड़ा आता है, एंजॉय कर रहा होता है, TV पे हर बंदा आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा होता है, सेलेक्टर्स देख रहे होते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कमबैक हुआ है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम में सेलेक्ट हुए हैं, देयर परफॉर्मेंसेज बिकॉज दे प्ले फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल। सो लेकिन ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, मैं समझता हूँ जितनी भी क्रिकेट होती है कराची के अंदर, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, और जिस तरह की कवरेज यहाँ पर होती है लोगों के लिए, लड़कों के लिए बोला जा रहा होता है, तो वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहना चाहिए कि एक से एक प्लेयर के लिए नाम निकलता है, तो वो डेफिनेटली फिर आगे के लिए बड़ा फायदा होता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। महमूद हामिद वाज विद अस, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स।